आज हम बनाएंगे बंगाली पॉपुलर डिश आलू पोस्तो। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू, आलू को हम तेल के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर आलू को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आलू को बीच बीच में चलाना पड़ेगा, नहीं तो आलू नीचे से जल सकता है। देखिए हमारा जो आलू है ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक को आलू के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा जो आलू है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और अंदर से बॉयल भी हो गया है। तो फिर आलू को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा सा हम भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे पॉपी सीड पेस्ट। पेस्ट को बहुत अच्छे से हम तेल के साथ मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी। पॉपी सीड की पेस्ट की ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसमें लंप आ सकता है। देखिए पानी भी बहुत अच्छे से मिल गया है। फिर इसमें डालेंगे हरा मिर्च। ग्रेवी में उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। उबाल भी आ चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ आलू। आलू को बहुत अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर हम कढ़ाई में डालेंगे घी। घी को आलू के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे और अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी थिक यानी पतली कर सकते हैं। देखिए हमारा जो आलू पोस्तो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसको आप चावल रोटी इसके साथ भी सर्व करें।